अगर आपके लिए मेरा उनसे मिलना इतनी अहमियत रखता तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। और नजमा भी यहां मौजूद होगी। मेरा यहां ना रहना बदतमीजी होती और सवाल मेरी तरबियत पर उठते, और आपने मुझे सिखाया कि मेहमानों की खातिर कोई कमी नहीं रखते। अब आप देखिएगा, आपका बेटा किसी गैर के सामने आपका सर नहीं झुकने देगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपका मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ। कॉल द पुलिस प्लीज, ये आदमी रिपीट ऑफेंडर है। इन्होंने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी पर अब ये फिर मुझे मारना चाहते थे। मेरी बात सुनिए, पास बताइएगा आप, दूर रहिए मुझसे। आई नो योर टाइप वेरी वेल, शकल से नेचुरल्स लगते हैं आप। लड़की देखी नहीं कि उसके पीछे लग गए? यू नो वॉट, थैंक्स टू दिस पेपर स्प्रे, कम से कम मेरे पीछे तो नहीं आएंगे आप। आपको अपनी हिफाजत के लिए पेपर स्प्रे की जरूरत नहीं है, आपकी मीठी आवाज ही काफी है। ओह, बीइंग सार्कास्टिक एंड ऑल, हां, व्हाट डू यू मीन, क्या लगता है आपको? सिता रही हूं मैं यहां पे, सीख रही हूं मैं। अपने पास ही रखिए, अगर मैं मर भी रही हूं ना तब भी आपके हाथों से पानी नहीं लूंगी मैं। अरे आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? आपके सामने ये इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे। खान, गाड़ी तो तुम तेज चला रहे थे लेकिन मुझे घर जल्दी पहुंचना है, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। घर वाले इंतजार कर रहे हैं? हमारे घर में तो जैसे कोई इंतजार ही नहीं कर रहा जो ये हमारे ऊपर गाड़ी चला दे। ये भी सच है। देखिए, गलती मेरी थी, मैं माफी मांग चुका हूँ, मुझे जाने दीजिए, जल्दी में उतरूं। जरा जल्दी में। लेकिन आप इस... By the way, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लड़ाई कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड बाय द वे, यू आप तब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? इस कंट्री में के सारे ऐसे ही हैं। मैं जानता हूँ न्यूयॉर्क से आई लेकिन है तो हिंदुस्तानी। आपको इस मुल्क से नहीं। स्टे अवे फ्रॉम मी, मैंने कहा ना आपको पास मत आइए। नजमा जी, नाराज हो? इस घर में मेरे नाराज होने या ना होने से किसे फर्क पड़ता है? नजमा, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में कभी भी आए, लेकिन ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं, अम्मी का भी है। भाईजान, इसीलिए आपने अम्मी को परमिशन दे दी? अच्छा, हम कौन होते अम्मी को परमिशन देने वाले? हम उनके बच्चे हैं, हमारी बात माननी चाहिए। एग्जैक्टली, हम उनके बच्चे, हमें अपनी हदों को समझना चाहिए। वो हमारी अम्मी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उनकी सब पर्सनल डिसीजंस में इंटरफेयर करें। लेकिन भाईजान, वो इंसान जो हमें इसे छोड़कर चला गया, जो कुछ भी हुआ वो उन दोनों के बीच हुआ, उन्होंने अम्मी को छोड़ दी, दूसरी शादी कर ली। एक बार पर हमें मुड़ कर भी नहीं देखा, लेकिन अगर हम ये अब भी उनसे मिलना चाहते हैं तो ये उनका डिसीजन है और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? जिंदगी ने उनसे
बहुत हक छीने, हम कम से कम उन्हें यह हक तो दे सकते हैं नाचो कि वो अपनी निजी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। समझ आया टमाटर? अपनी स्माइल का बटन कर यहां पर। राशिद मियां, हैरान हो गए हमें देखकर। मियां आपको क्या लगा हम लड़की देखने आएंगे और आप मिलेंगे नहीं तो हम दोबारा आएंगे ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि हमारी गलती को नजरअंदाज करके आप लोग दोबारा हमारे गरीब खाने पर आए। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आइए ना। सही कहा ना, वैसे राशिद मियां हमेशा इतने खामोश नहीं रहते, पर क्या करें, आखिर बाप है ना, तो मन तो भर ही आता है। आप कुछ लीजिए ना। हाँ हाँ, आप लोग कुछ लीजिए। भाई को बता दूं कि अब्बू यहां फंस गए, लेकिन बता दिया तो भाई को लगेगा कि अब्बू सिर्फ मेरी वजह से उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या करूं, अगर अब्बू आज जा पाते तो भाई और अब्बू के बीच एक नई शुरुआत हो सकती थी, पर अब तो देखिए हमारी बेटी जैसी भी है आपके सामने है, लेकिन जिंदगी सिर्फ सूरत देखकर काटी नहीं जाती। लड़की का नेक सीरत होना ज्यादा जरूरी है। इस लड़की से ज्यादा शरीफ और तहजीब याफ्ता आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हमारे लिए आपकी बात पत्थर की लगी है। आपने कह दिया, हमने मान लिया। हमारे लिए इज्जत से बढ़के कुछ नहीं है। राशिद मियां, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। एक बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है, उनके लिए दुआ करता है। आप सब लोग यहाँ पर आए तो ऐसा लगा जैसे हमारी दुआ कबूल हो गई। आप तो जानते ही हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी औलाद के साथ कुछ गलत हो जाए तो एक बाप के आपके दिल को कितना दुख पहुंचता है।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।